हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में आपको इसी Realme C51 स्मार्टफोन के टॉप 60 फीचर्स बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, औसम, कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए, आप दो दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और स्प्लिट टॉप पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर रिसेंट्स में आपने जो भी एप्स को यूज किया था उसको आप रिसेंट्स में मतलब यूज कर सकते हैं इस तरह से। दो एप्लीकेशन को आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशन के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना, स्क्रीनशॉट लग जाता है। आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस फोन में तो कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, कैप्चर मोर पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने वाला फीचर मिलता है। इस तरह से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, नोटिफिकेशंस में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको मिनी कैप्सूल मिलता है, ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। तो यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड जो एप्पल के 14 सीरीज में आता है वैसे यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड आएगा। एक स्टेप और बैक आने के बाद और आना है इस तरह से नीचे, नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है आपको। आप करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशंस आपको आते हैं तो लॉक स्क्रीन पर वो नहीं दिखेंगे, पूरा नीट क्लीन बताता है। आपने इसको शो करके रखा है तो कोई भी मैसेजेस वगैरह आने के बाद लॉक स्क्रीन पर दिखते हैं। आप कहीं भी फोन को रखें तो OTP लेकर लॉक स्क्रीन से आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए आप यहां पर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस कर लेना है। इसके बाद और आना है इस तरह से नीचे, यहां पर नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन ये ऑफ है तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा। और अगले फीचर की बात करते हैं, इसके लिए फोन पर क्लिक करके यहां पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन सेटिंग्स में आकर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो आपको पता चलता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको आना है इस तरह से नीचे, डिस्प्ले ऑप्शंस में यहाँ पर चूज थीम पर क्लिक करके इसको डार्क कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो लाइट मोड है लेकिन ये फोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और स्टेप बैक आने के बाद एकदम नीचे आने के बाद कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आकर अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज कर सकते हैं। किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको स्पीकर में सुनाई देगा। दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन की सेटिंग्स में आते हैं। यहाँ पर आपको एप्स में आना है, कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आकर ये ऑन है इस तरह से, तो हम इस तरह से इसको ऑफ करेंगे तो इसका नोटिफिकेशंस ही यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। बैक आते हैं इसी एप्स में आने के बाद नीचे आते हैं यहाँ पर स्क्रीन टाइम, मतलब आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट और कितने घंटे फोन को यूज किया है वो देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे आने के बाद एप्लीकेशंस को आप टाइमर के साथ भी सेट कर सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन को आप टाइमर के साथ सेट करना चाहिए। इस मैसेज को आप एक दिन में एक ही घंटा यूज करना चाहे तो इस मैसेंजर के साथ आप यहां पर एक घंटे को सेट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप एक ही घंटा यूज कर सकेंगे एक दिन में। और बैक आने के बाद इसी एप्स में आने के बाद यहां पर आप इस पर क्लिक करके यहां पर जो एप्लीकेशंस आपको यहां पर देखेंगे उनको आप डुअल कर सकते हैं, यहां से बस इस तरह से ऑन करना होता है। ये देख लीजिए दोस्तों, यहां पर मैंने दो फेसबुक अभी कर लिया है। अगले फ्यूचर के लिए भी हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे इस तरह से नीचे, आपको बैटरी में आना है। सुपर पावर सेविंग मोड को भी आप यूज करना चाहिए यूज कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं बैटरी परसेंटेज देखने के लिए। अगले फ्यूचर के लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे इस तरह से और नीचे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना है और आएंगे इस तरह से नीचे, ये जो सारे साउंड हैं सबको ऑफ करना है। बैटरी बैकअप ज्यादा देगी कैसे, आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करने के बाद, टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, लॉक करने के बाद में बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होती। बैक आते हैं अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आकर इस तरह से नीचे आकर डिस्प्ले सेटिंग में आते हैं। यहां पर एडेप्टिव ब्राइटनेस को आप ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ज्यादा होता है, जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद लॉक स्क्रीन में आपको आना है। यहां पर एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन में आप आकर यहां पर अपना कुछ भी नाम वगैरह कुछ भी लिखकर डाल सकते हैं। आप जो भी लिखकर डालेंगे वो लॉक स्क्रीन पर आपको यहां पर
बताएगा इस तरह से। यहाँ पर ये देख लीजिए, अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आकर आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में आना है, लॉक स्क्रीन में आना है और आना है इस तरह से नीचे। डबल क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन में इस सेटिंग को ऑन करेंगे, यहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखता है, वहां पर डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे, डिस्प्ले में आएंगे, लॉक स्क्रीन में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। लिफ्ट टू चेक फोन ये ऑफ है, तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे, कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को तो आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिलता है इस सेटिंग में आकर आप हाइड सेंसिटिव वर्क कंटेंट, आप इसको कर सकते हैं, आपको कोई भी प्राइवेट नोटिफिकेशंस आते हैं वो हाइड दिखेंगे दोस्तों, लॉक है आपका फोन तब। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आकर आपको आना है इस तरह से नीचे, डिस्प्ले सेटिंग में आना है और स्क्रीन टाइम आउट में आप आना है। आपने एक मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया है लेकिन स्क्रीन ऑन है तो एक मिनट के बाद में डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर मिलता है स्क्रीन अटेंशन, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपने एक मिनट तो टाइम को सेट कर लिया है, जब तक आप स्क्रीन को देखते रहेंगे स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। आते हैं एक और स्टेप बैक, आपको डार्क थीम को ऑन कर लेना है, पूरा फोन ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। उसके ठीक नीचे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में आना है, आप अपने फॉन्ट्स को इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम, ये देख लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले साइज को बड़ा करेंगे तो ये बटन्स और ये आइकन सब कुछ बड़े हो जाएंगे। उसके बाद उसके ठीक नीचे बोल्ड टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने फॉन्ट्स को आप कॉन्ट्रास्ट में भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी, आप लाना चाहे ला लीजिए, मतलब अच्छे दिखते हैं ये आप ऑन करेंगे तो। चलिए एक और स्टेप बैक आने के बाद आपको मिलता है नाइट लाइट, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको शेड्यूल पर सेट कर लेना दोस्तों। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है। आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाएंगे, ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स, इसलिए इसको ऑन करके यूज़ करना दोस्तों, ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं ऑन रहने के बाद में। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद आपको कलर टेम्परेचर एंड कलर मोड्स, आपको इस सेटिंग में आना है, आप यहाँ पर विविध और जेंटल अपना जो स्क्रीन का कलर है उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप अपने स्क्रीन कलर को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक और स्टेप बैक आते हैं, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपको नीचे आने के बाद मिलता है वीडियो डिस्प्ले इन्हांसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आप कोई भी इन एप्लीकेशन में थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपको अच्छा दिखेगा। तो चलिए और बैक आने के बाद ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन करेंगे तो आप जैसे रोटेट करते हैं फोन को तो जो आपका स्क्रीन है उसी तरह रोटेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आप आकर मैक्सिमम आप यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक कर सकते हैं, ऑटो पर सेट कर लेना तो स्मूथ चलता है आपका स्मार्टफोन। तो चलिए अगले फीचर के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, यहाँ पर होम सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर ऐप ड्रावर सेटिंग्स में आपको आना है, यहाँ पर एड एप्स टू होम स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा वो नया एप्लीकेशन। अगले फीचर के लिए जैसे आप ऐप ड्रॉअर को ओपन करते हैं यहाँ पर एक कीबोर्ड निकल कर आ रहा है, नहीं आना चाहिए, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर ऐप ड्रॉअर सेटिंग में हम आएंगे, यहाँ पर इस सेटिंग को ऑफ करेंगे, जैसे हम ऐप ड्रॉअर ओपन करते हैं तो अभी ये कीबोर्ड नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए भी पिंच करके यहाँ पर होम सेटिंग्स में आकर इसी सेम सेटिंग में आकर शो ऐप सजेशन है ये, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करता है। अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आएंगे, आएंगे इस तरह से नीचे आपको मिलता है वॉलपेपर, यहाँ पर आपको मिलता है चेंज वॉलपेपर का फीचर, यहाँ पर माय फोटोज पर आप क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर, ये हो गया। बैक आने के बाद ऑन डिवाइस पर क्लिक करके यहाँ पर भी आपको कुछ वॉलपेपर्स मिलते हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लगता है इसको भी आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। आता हूँ दोस्तों बैक इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आपका जो यूआई है उस यूआई कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अभी फिलहाल तो ये कलर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों आपका जो यूआई है उसके कलर को, ये देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर थीमेड आइकन्स को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मतलब ये देख लीजिए यहाँ पर ये आइकन्स है ना, अपने यूआई का जो कलर है वही कलर के एप्लीकेशन हो जाएंगे, ये देख लीजिए। इसको ऑफ करता हूँ तो अभी वापस से उसी तरह हो जाएंगे। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आकर इसी स्मार्ट कंट्रोल्स में आता हूँ, उसके बाद स्मार्ट वेक में हम आते हैं। अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को
तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद उसके ठीक नीचे मिलता है यहाँ पर स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है, इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। इजी आंसर को हम ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर म्यूट इनकमिंग कॉल्स को हम ऑन करेंगे तो आप कॉल आता है तो फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। और आप इस सेटिंग को ऑन करना चाहें इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आता हूँ और एक स्टेप बैक, आपको पॉकेट मोड में आना है, इसको ऑन कर लेना है, टच डिसेबल को आप ऑन कर सकते हैं। अब मान लो आप जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो स्क्रीन वर्क करना बंद करेगा। और अगले फीचर की बात करने के लिए जब हम सेटिंग्स में आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट टू स्पीक में आना है, इसको ऑन कर लेना है। एलो पर आपको क्लिक करके इसको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करके आप इस सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर ना अपना लैंग्वेज आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं, अपना जो भी लैंग्वेज है आपने सेट कर लिया। यहाँ पर एक आइकन निकल कर आता है, इसके ऊपर क्लिक करके इतना आप सेलेक्ट करके इतने मैसेज को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो इसके जरिए से आप पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से ये देख लीजिए। तो चलिए इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है कलर एंड मोशन में, आपको आना है, आप अपना जो कलर करेक्शन भी आप कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन का जो कलर है उसको भी आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग कलर में इसको लेकर आ सकते हैं। तो चलिए और इसके बाद आपको इसी कलर एंड मोशन सेटिंग में आने के बाद मिलता है यहाँ पर रिमूव एनिमेशन, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो बैक ओपन करता हूँ तो ये देख लीजिए कितना फास्ट ओपन क्लोज हो रहा है, कोई एनिमेशन नहीं आ रहा है। इसको ऑफ करके बताता हूँ एक बार, ये देख लीजिए थोड़ा स्लो ओपन क्लोज हो रहा है ना इस सेटिंग को ऑफ करने के बाद में। इस सेटिंग को ऑन करके अपने स्मार्टफोन को स्पीड कर लीजिए। तो चलिए बैक आता हूँ, इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मैग्नीफिकेशन में आप आकर इसको ऑन करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो आप कहीं भी हो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो जूम होता है फोटो को, इतना ही नहीं कहीं भी हो आप अपने स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो चलिए और बैक आने के बाद आपको इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मिलता है एक्सेसिबिलिटी मेनू, इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना, अलो पर क्लिक करना, गॉट इट पर क्लिक करना है। यहाँ पर थ्री डॉट निकल कर आते हैं, इस थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इतने सारे फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं, रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और क्विक सेटिंग मतलब नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए वो भी देख सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले फ्यूचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आकर इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आकर आएंगे कुछ इस तरह से नीचे, आपको सिस्टम कंट्रोल्स में आना है, यहाँ पर पावर बटन एंड कॉल्स को ऑन कर लेना है। आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाता है। उसके बाद सिस्टम नेविगेशन में आकर यहाँ पर जेस्टर करेंगे तो बटन्स हिड हो जाएंगे, आपको बैक इस और इस साइड से आना होगा। होम बटन ये रहा, रिसेंट टास्क रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए भी सेटिंग्स में आकर आएंगे इस तरह से नीचे, इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में हम आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, आपको मिलता है यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल्स। इस सेटिंग में आने के बाद 100 मोड है, इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे, नीचे से बस इतना करेंगे तो छोटा हो जाएगा स्क्रीन, इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर टैप करेंगे तो वापस से बड़ा हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में हम जैसे आते हैं आपके यहाँ पर नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर चलिए लाइव कैप्शन मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो आप कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं तो वो कैप्शन आपके यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखता रहेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखा हुआ यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर दिखता रहेगा इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। अगले फ्यूचर के लिए हम सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे, सिक्योरिटी में आएंगे भी, यहाँ पर गूगल प्ले प्रोडक्ट पर क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से आपको रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको आना है इस तरह से नीचे, मोर सिक्योरिटी सेटिंग में आना है और यहाँ पर ऐप पिनिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, एग्जांपल यहाँ पर एक एप्लीकेशन ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, पिन पर क्लिक करना है, गॉट इट पर क्लिक कर देना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं, आप इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना और उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका फोन, इसको अनलॉक करना पड़ेगा तब आप दूसरा एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे। दोस्तों कमाल का और तगड़ा फ्यूचर आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको इस तरह से एक माउस लेना है, वायरलेस माउस लेना है, ज्यादा मजा आएगा और वायरलेस माउस के साथ ये कनेक्टर आता है ये तो आपको पता है। आपको वायरलेस माउस की परचेस लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी
और इसके साथ साथ आपको इस तरह से एक OTG भी लेना है, इसकी भी परचेस लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इस माउस के साथ जो आया है कनेक्टर उसको इस OTG से इस तरह से लगा लेना है, उसके बाद आपको इस चार्जिंग की जगह इसको लगा लेना है फ़ोन की जगह, ये देख लीजिए। उसके बाद सेटिंग्स में आके यहाँ पर नीचे आकर आपको सिस्टम में आके यहाँ पर OTG कनेक्शन को ऑन कर लेना है। अभी ये माउस कनेक्ट हो जाएगा आपका, ये देख लीजिए माउस कनेक्ट हो चुका है भी, और आप अपने माउस से इसको आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माउस से यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन को। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें यूज़ कर लीजिए, काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों इस तरह से इसको यूज़ करते हुए, यहाँ पर देख लीजिए आप दोस्तों। साथ ही साथ एक और कमाल का फीचर बताऊँगा, इसकी परचेस लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, परचेस कर लीजिए। ये क्या है आपको मैं बताऊँगा, यहाँ पर इसको निकाल लेना, कैमरा प्रोटेक्टर है ये, इसको हम निकाल कर यहाँ पर अभी इस तरह से चिपका सकते हैं आप कोई भी चीज़ से। आप ये देख लीजिए कैमरा सेफ भी रहता है और आपका स्मार्टफोन इससे काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों। आप यहाँ पर ये देख लीजिए, कोई भी चीज़ से आप इस तरह से इसको चिपका लेना, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त दिखता है इससे आपका स्मार्टफोन, इसको भी आप कर सकते हैं। परचेज लिंक इसके भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है येलो कलर में, ये कैसे सेट करें आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है, ओपन करके आपको रिंग रिंग सर्च करना है। इस तरह से आप रिंग रिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके इसको ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना, सारे परमिशंस देने के बाद ये ऑफ है, इसको ऑन कर लेना। इस कंट्रोलर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को। ये हो गया, ये बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेगमेंट कलर पर क्लिक करके यहाँ पर सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करके प्री सेट पर क्लिक करके जो कलर को सेट करना चाहते हैं उस कलर को आप क्या करेंगे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से ये सेट हो जाता है, ये देख लीजिए। तो ये थे दोस्तों इसी Realme C51 स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज्यादा फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आप इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।